क्या हमें आईटीआर फाइल करना चाहिए, आईटीआर फाइल करने से क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, किसे आईटीआर फाइल करना चाहिए, किन लोगों के लिए आईटीआर बना हुआ है और क्या आईटीआर फाइल करने के बाद हमें टैक्स देना जरूरी है, तो ये सभी डाउट होते हैं बहुत सारे लोगों के मन में और ये सभी डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आईटीआर के बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिद्धांत। तो चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि आईटीआर होता क्या। देखिए आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। अब पहले हम ये समझते हैं कि आईटीआर फाइल किसे करना चाहिए। तो देखिए हर एक व्यक्ति को आईटीआर फाइल करना चाहिए जिनका पैन कार्ड बना हुआ है और आधार कार्ड से लिंक है। क्यों? क्योंकि पैन कार्ड बनने के बाद आप इजीली आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब इनमें ये भी समझा जाता है कि आईटीआर किसे, कोई एक बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है या फिर नॉर्मल पर्सन। तो देखिए ऐसा नहीं है, आईटीआर हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है। मतलब ये होता है कि किसी का तो इनकम जीरो है तो वो आईटीआर फाइल करके क्या करेगा, तो ऐसा नहीं, उन्हें भी आईटीआर फाइल करना चाहिए क्योंकि आईटीआर फाइल करने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। नुकसान तो नहीं है लेकिन फायदे बहुत हैं, तो इसलिए आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। तो फायदे क्या है वो हम समझते हैं। तो देखिए सबसे जो पहला फायदा है वो है, आप लोग देखे होंगे कि जब भी आप पैसे का निकासी करते हैं या फिर कहीं पे जमा करते हैं तो आपसे ना टीडीएस काटा जाता है। अब टीडीएस काट लेता है, आप तो टैक्स भर नहीं रहे हैं, आईटीआर फाइल नहीं करे, फिर भी टीडीएस काटा जाता है। तो जो टीडीएस आपसे काटा जाता है तो उसे आप रिफंड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। तो आईटीआर फाइल करेंगे तभी आप टीडीएस रिफंड ले पाएंगे, ये एक फायदे। दूसरा क्या है, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं विदेश घूमने के लिए तो वहाँ वीजा का प्रॉब्लम होगा और अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप इजीली वीजा ले सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉफिट है। के बाद आईटीआर फाइल करने से आपको लोन बहुत अच्छे से मिल जाते हैं बैंक में। अगर आप बैंक का चक्कर लगाते हैं तो आपको पता होगा कि वहां पे भी आपसे बोला जाता है कि आप आईटीआर फाइल कीजिए, कम से कम 2-3 साल का आईटीआर दिखाइए। आईटीआर का मतलब होता है कि आपका इनकम क्या हो रहा है, किस तरीके का आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका कितना इनकम है, तो वो सभी डिटेल आप आईटीआर फाइल करने के दौरान आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए बैंक में भी आईटीआर खोजा जाता है। उनके बाद अगर आप सरकारी टेंडर कोई भरते हैं तो उनमें भी आपको आईटीआर खोजा जाता है कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप सरकारी टेंडर भर सकते हैं। बहुत सारे और भी सरकारी योजनाएं हैं जिनमें कि आईटीआर खोजा जाता है। तो इसलिए आप कोई भी हो, एक नॉर्मल पर्सन हो, एक बिजनेसमैन हो या फिर एक जॉब करते हैं, तो कोई भी हो, आप सभी को आईटीआर भरना अनिवार्य है। अगर आप आईटीआर भरते हैं तो बहुत फायदे आपको मिलते हैं, चाहे आपका इनकम जीरो हो फिर भी आप आईटीआर भरिए। हम आईटीआर तो भरते हैं लेकिन आपको भी पता होगा कि आईटीआर भरने के दौरान हमें टैक्स देना पड़ता है सरकार को, तो इसलिए बहुत सारे लोग आईटीआर नहीं भरते। तो हम बता दें आपको, देखिए अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है जिनका सालाना इनकम 5 लाख से कम है तो उन्हें इनकम जो टैक्स होता है वो नहीं देना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपका 5 लाख से कम इनकम हो रहा है सालाना, मतलब साल का, तो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं जीरो बेसिस पे। आप जीरो दिखा के, मतलब आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट आपका अगर 5 लाख से ऊपर है तो फिर आपको 5% लगेगा, 10 लाख से ऊपर है तो फिर आपको 12% लगेगा, तो इसी तरीके से बढ़ते जाता है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 7.5 लाख तक भी है तो आप वहाँ पे रेबेट का ऑप्शन आता है वो ले सकते हैं, तो 7.5 लाख में आपको जीरो टैक्स देना पड़ जाएगा, तो इसलिए आप आईटीआर भर सकते हैं। तो ये इनके बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे यूज भी होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को आईटीआर नहीं करते, तो आप लोगों को आईटीआर भरना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुका है, आईटीआर अब भरा रहा है, आप लोग इजीली आईटीआर भर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमसे भरवाना है तो आप इस नंबर पे, जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो करा है, इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको आईटीआर के बारे में बताएंगे और आपका आईटीआर हम फिल कर देंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि आईटीआर क्या होता है और आईटीआर भरने के क्या प्रॉफिट होते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे जो नॉलेजेबल वीडियो है बहुत कम मिलते हैं। अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करेंगे तो हम आपको टीडीएस के बारे में बताएंगे कि टीडीएस क्या होता है, जीएसटी के बारे में बताएंगे कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी रिटर्न किसे फाइल करना चाहिए, टैक्स क्या होते हैं, टैक्स कितने टाइप के होते हैं। अगर ऐसा जानकारी चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करें। देखिए इस चैनल पर आपको नॉलेजेबल वीडियो बहुत अच्छे से मिलेंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर इनमें कुछ नहीं समझ में आया तो जरूर आप कमेंट करें, या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं आईटीआर से रिलेटेड वो हमारे ऑडियंस को, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।